उससे पहले हमारे दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करवाते हैं। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इंडियन ओवरसीज बैंक में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। श्याम नगर इलाके के डीसीएम की घटना है, जहां बैंक खुलने के साथ ही घुसे थे दो बदमाश। हथियार के दम पर बैंक कर्मियों को बंधक बनाया गया और बैंक की तिजोरी खुलवा कर लूट ले गए लाखों का कैश। बैंक कर्मी की बाइक लेकर बदमाश मौके से फरार हुए हैं। और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में, जो घटना कैद हुई है वो आप तक साझा कर रहे हैं कि किस तरह से बैंक में वो लुटेरे घुसे और पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। और अब जयपुर शहर में कड़ी नाकाबंदी कराई जा रही है और लगातार उन बदमाशों की खोजबीन की जा रही है। और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप लगातार फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं। ये बैंक की तस्वीर है जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। किस तरह से बैंक खुलने के तुरंत बाद ही ये बदमाश बैंक में घुसे, बैंक कर्मियों को बंधक बनाया गया और किस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। और सबसे पहले ये तस्वीर आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर सीसीटीवी फुटेज की। ये तस्वीरें हैं जहां पर दिन दहाड़े होली के इस खास पर्व पर बैंक को लूटा गया। बैंक खुलने के कुछ देर बाद ही नकाबपोश बदमाश आपको सीसीटीवी कैमरे में भी लगातार नजर आ रहे हैं, जिन्होंने हेलमेट पहन रखा है। और ये नकाबपोश बदमाश बैंक के अंदर घुसे, लूट की वारदात को अंजाम दिया, बंधक बनाया गया बैंक कर्मियों को और उसके बाद तिजोरी से लाखों का कैश लूट कर वहां से फरार हो गए। हालांकि अब पूरे जयपुर में नाकाबंदी करवा दी गई है और लगातार पुलिस प्रशासन खोजबीन में जुटा हुआ है इन बदमाशों की। और देखा जा सकता है कि जहां राजधानी जयपुर में पूरा जयपुर, पूरा देश जब होली का त्योहार मना रहा है हर्षोल्लास के साथ में, वहीं जयपुर में इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। दिन दहाड़े लुटेरे बैंक में घुसे, बैंक कर्मियों को बंधक बनाया गया और इस लूट को अंजाम दिया गया। और इस सीसीटीवी फुटेज की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जहां देखा जा सकता है कि किस तरह से बैंक खुलने के कुछ देर बाद ही ये लुटेरे नकाबपोश होकर बैंक में घुसते हैं, बैंक कर्मियों को बंधक बनाते हैं। हेलमेट पहना है इनमें से एक ने, आप देखेंगे कि किस तरह से ये दो लुटेरे घुसे हैं। दोनों ने ही मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है और एक ने हेलमेट लगाया हुआ है और ये अंदर घुसते हैं, बंधक बनाया जाता है बैंक कर्मियों को और उसके बाद इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। तिजोरी में रखे लाखों का कैश ये लेकर फरार हो जाते हैं। हालांकि उसके कुछ देर बाद ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और अब पूरे जयपुर शहर में नाकाबंदी करवाई गई है और लगातार इन बदमाशों की खोजबीन भी की जा रही है। और जयपुर के उस बैंक की लगातार तस्वीर आप देख रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यनारायण पूरी जानकारी के साथ जयपुर से फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, देखिए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, दो बदमाश कैप्चर हुए हैं, क्या कोई खुलासे हुआ है अब इस पूरे मामले में? जो सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं उसमें दो बदमाश दिखाई दे रहे हैं। दोनों बदमाशों ने आने के बाद में जो बैंक कर्मचारी थे, बैंक मैनेजर था, उनको पहले हथियार दिखाया। हथियार दिखाने के बाद में जहां मुख्य सेफ होती है, जहां बैंक की मुख्य तिजोरी होती है, वहां तक वो ले गए हैं। उसके बाद में करीबन 10 से 15 लाख रुपए से भरी हुई नकदी, हालांकि बैंक कर्मचारी कितना कैश था उसका पता लगा रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि 10 से 15 लाख रुपए से भरा हुआ बैग था वो उठा के वो बैंक कर्मचारी की बाइक लेकर मुख्य से फरार हुए हैं। फिलहाल इस घटना की सूचना के बाद में पूरे जयपुर श्रेणी में ए श्रेणी की नाकाबंदी, सशस्त्र नाकाबंदी करवाई गई है और जिस बाइक से वो भागे। जी सत्यनारायण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।